हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी 12th पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट जरूर करें, अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपको इंस्पेक्शन मेथड से निम्न का इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले देखिए साइन 2x। अब मान लिया जाए कि आप ये देखना है कि साइन 2x आखिर किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन किसको डिफरेंशिएट करें कि साइन 2x है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखें, कॉस 2x को अगर डिफरेंशिएट करें, कॉस 2x को x के रिस्पेक्ट में, तो यह क्या होगा, यह होगा 2 साइन 2x। डिफरेंशिएशन अब तक आप सीख चुके हैं, 2 साइन 2x होगा। और कैसा साइन के साथ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, तो माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए। ओके, अब देखो तो d/dx इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू, अगर सिर्फ हम इतना लिखें साइन 2x, तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस 2 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि d/dx पूरे का डिफरेंस, ये कांस्टेंट जब अंदर से बाहर आ सकता है तो बाहर से अंदर क्यों नहीं जा सकता है, तो -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 2x होगा। इसका मतलब कि यह इसका डिफरेंशिएशन इतना हो रहा है, तो इतना का इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यह होगा। इसलिए साइन 2x का इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड क्या हो गया, -1/2 cos 2x। तो हेंस एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना होगा, तो यह हो जाएगा -1/2 cos 2x। यही बाय इंस्पेक्शन मेथड आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, किसका साइन 2x का। इस टाइप से आपको बनाना होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्या है, cos 3x का। तो cos 3x आखिर किसका डिफरेंशिएशन cos 3x होगा, तो अगर हम d/dx सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन को d/dx sin 3x का डिफरेंशिएशन ले, किसका sin 3x का, तो ये sin थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, तो उस अनुसार से फिर 3x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 3 cos 3x होगा। अब देखो तो इस 3 को नीचे लाएंगे तो 1/3 d/dx sin 3x इज इक्वल टू क्या हुआ, cos 3x हुआ। अब ये 1/3 जब डिफरेंशिएशन से बाहर आ सकता है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्यों नहीं जा सकता है, इट मींस d/dx, समझ रहे हो कि d/dx 1/3 sin 3x इज इक्वल टू हो गया cos 3x। अब इसका डेरिवेटिव यह हुआ, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यह होगा। तो हेंस लिख देंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू
वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ई टू द पावर टू एक्स, ई टू द पावर टू एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखें, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री क्वेश्चन नंबर क्या है, ई टू द पावर थ्री एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स, इतना होगा। अब सिर्फ ई टू द पावर थ्री एक्स लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, वन बाई थ्री डी अपॉन डी एक्स, ई टू द पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स वन बाई थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स। तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे ई टू द पावर थ्री एक्स का एंटी डेरिवेटिव वन बाई थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स। इस तरह से हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें।